और जिस दिन वो इस दुनिया में आएगा ना, देखना ऐसा जश्न मनाऊंगी कि सारे शहर को पता चल जाएगा कि नूरजहां के यहाँ वारिस पैदा हुआ है। अम्मा सफीना की बेटी है। क्या क्या कहा? मेरे यहाँ तो बेटी हो रही है। चलो फिर, लड़का और लड़की क्या फर्क पड़ता है, बता दूं या सरप्राइज दे दूं? बता दें। बेबी इज हेल्दी। बेबी मुबारक हो, बेटी है माशाल्लाह। खुश हो जा सफीना, बेटियां तो बड़ियों के माँ की अम्मा बन जाती हैं, और माँ की तो हर उम्र में इंसान को ज़रूरत होती है। और पहला बेबी है तुम्हारा, इसमें बेटा और बेटी तो क्या फ़र्क पड़ता है, नेक्स्ट टाइम बेटा हो जाएगा। हमारे खानदान में सिर्फ बेटे होते हैं, बेटी नहीं होती। तो मेरा भी पोता होगा, लड़की नहीं होगी। ओके, क्या कहा डॉक्टर ने? प्लीज मुझे जल्दी से बताओ, अम्मा का बार बार मुझे फोन आ रहा है, मुझे उन्हें कुछ खबरी देनी है। प्लीज मुझे बताओ, एक हद अम्मी का फोन आ गया। उन्हें फोन क्यों नहीं उठा रहे? हाँ उन्हें, हमारी बेटी है। अम्मा। हाँ बेटा, क्या क्या हो रहा है, क्या पता चला? मेरा पोता ठीक है ना? देर इज नो कॉम्प्लिकेशन, ही इज फाइन। मेरा पोता कब आने वाला है? डॉक्टर ने ड्यू डेट क्या बताई है? अभी तो मुझे इख्तियार शाह के आने की तैयारी भी करनी है। तुम्हें पता है ना, तुम बहुत खुशनसीब हो, मेरे बड़े बेटे हो, इसलिए ये नाम तुम्हारे हिस्से में आया है। अम्मा मेरा पोता मेरी जान, मैं ना उसकी नर्सरी खुद अपने हाथों से सजाऊंगी, एक एक चीज मेरी पसंद की होगी। और जिस दिन वो इस दुनिया में आएगा ना, देखना ऐसा जश्न मनाऊंगी कि सारे शहर को पता चल जाएगा कि नूरजहां के यहाँ वारिस पैदा हुआ है। कोई कसर नहीं छोड़ूंगी मैं, बस तुम जल्दी से सफीना को लेकर घर आ जाओ। अम्मा सफीना की बेटी है। क्या क्या कहा? मेरे हाथों बेटी हो रही है। हुनैशा जी, एकदम स्ट्रेस की वजह से आपकी वाइफ बेहोश हो गई हैं। हम उन्हें ट्रीटमेंट दे रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। बाकी डिटेल आप डॉक्टर साहिबा से लीजिएगा। ये मेडिसिन है, आप ले आएँ प्लीज़। जी